आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट लोकसभा में दिखाकर बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी सरकार दे मुआवजा। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर WHO की आज 3 बजे अहम बैठक। मणिपुर के मोरे गांव में 500 करोड़ की ड्रग्स बरामद किए गए। संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, कंगना ने पद्मश्री वापस लेने की मांग। गेरुआ से फिर सफेद हो रही बनारस की मस्जिद, विवाद के बाद बैकफुट पर प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। फतेहपुर के हुसैनगंज में कांग्रेस पदाधिकारियों और न्याय पंचायत अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस की सदस्यता पर चर्चा की गई और साथ ही कांग्रेस के युवा नेता शिवा कांत तिवारी ने हर ब्लॉक से 10,000 सदस्य बनाने का निर्णय लिया। वही महिला पदाधिकारियों ने भी सदस्यता अभियान चलाने का संकल्प लिया। सोनभद्र में रेंजर मुन्ना लाल सिंह का ऑफिस में 10 लाख रुपए गिनते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो के वायरल करने वाले व्यक्ति ने DFO को मामले का शिकायत करते हुए शिकायती पत्र और वायरल वीडियो भी दिया गया, जिसको देखते हुए DFO सोनभद्र ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है, जबकि रेंजर के स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वही जाँच रिपोर्ट के बाद संबंधित रेंजर के ऊपर कार्यवाही करने का किए जाने का आश्वासन DFO संजीव कुमार सिंह ने दिया है। इस मामले में DFO ने बताया कि जांच टीम बना दी गई है और रेंजर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच टीम के द्वारा दिए जाने वाले रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी जनपद में शिक्षक की मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने गुंडों जैसा बर्ताव करके BSA के स्कूल में ही बंधक बनाकर मारपीट की। दरअसल पूरा मामला नाहिल गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का है, जहां BSA कमल सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान BSA और टीचर के बीच बातचीत शुरू होते ही माहौल गर्मा गया और टीचर ने BSA के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और BSA को बंधक बना दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने BSA को वहां से निकलवाया और BSA ने बताया कि जल्द ही पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। शासन द्वारा हमारा इंस्पेक्शन के लिए नियुक्त किया गया है कि हमें एक मास में 20 हमें इंस्पेक्शन करने होते हैं, ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसी के क्रम में हम लोग गए थे, सुबह मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसका जो इंस्पेक्शन किया, इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय है नाहली में उसका इंस्पेक्शन किया और ये थर्ड विद्यालय था कंपोजिट विद्यालय नाहली उसका इंस्पेक्शन कर लिया। सारे हमने एंट्री पूरी कर। खबर देवरिया से है, जहां पर KD मेमोरियल पब्लिक स्कूल शिवधरिया बलुआनी के प्रांगण में विद्यार्थियों ने अंग्रेजी भाषा को सरल शब्दों में सिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पायनियर इंग्लिश क्लासेस के प्रबंधक ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संस्थापक विजय प्रताप शाही के सानिध्य में हुआ। उन्होंने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर किया। छात्रा अंजलि यादव और काजल मदेशिया ने स्वागत किया और गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें सृष्टि चौबे और कृति वर्मा ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी शीर्षक पर अपना पक्ष रखा। प्रेसी मिश्र और पुनीता गुप्ता ने हिंदी और अंग्रेजी एक बेहतर भाषा पर अपना पक्ष रखा। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैंने निर्णय किया है कि 1 जनवरी से अपने जनपद की बेटियों को, जो लोग भी अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो बेटियाँ यहाँ आएँ, हमारी संस्था
पायनियर इंग्लिश क्लासेस ट्यूबवेल कॉलोनी में है। इसका हेड ऑफिस हमारा एक ब्रांच राघवनगर में भी है और इस ब्रांच पे उन्हें मात्र 50% शुल्क पे अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंस्पेक्टर सर एंड माय लविंग ब्रदर एंड सिस्टर, टुडे आई एम टेल अबाउट इंडिया स्पीच। गुड मॉर्निंग, द नेम ऑफ माय कंट्री इज इंडिया। इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इट लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया इज famous country all over the world. The national language of India is Hindi. Well, this book is very popular and gonna to be very creative and interesting for the readers who are especially interested to read English. Well, this book is for the students of rural areas who can't afford the high price to buy the books which are gonna to be for their studies and all. Well, this book is musical and magical. That means we have given many type of words that are very interesting, unique, and you don't need to read a lot of dictionaries, books and all to improve your English. खबर सोनभद्र से है, जहां पर झारखंड के बॉर्डर क्षेत्र के घुमा और सुखड़ा गांव में नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर पुलिस अधीक्षक अमृत प्रताप सिंह और दिशा निर्देश पर थाना विडमगंज के थाना अध्यक्ष सूर्यभान के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के जवानों ने बॉर्डर पर सघन कॉम्बिंग किया। कॉम्बिंग के दौरान जवानों ने लोगों को निडर और भयमुक्त होकर रहने को कहा और इसके अलावा कोरोना वैश्विक महामारी से बचने की सलाह भी दी। कहा गया कि आप सभी ग्रामीण लोग सरकार की तरफ से लगाए जा रहे कोरोना टीकाकरण स्थल पर जाकर टीका जरूर लगाएं, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रह सके और सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के मुंडा खेड़ा चौराहे के पास बुलंदशहर की ओर से आ रही बोलेरो कार होटल में जा घुसी और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिनको गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया दिया गया। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है कि ड्राइवर आरोपी, जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आगरा में थाना डॉकी के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस पर नियंत्रण खोने से पलट गई। इस हादसे में करीब 30 घायल हो गए और सवारियों के मुताबिक ड्राइवर एक साथ से बस चला रहा था। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते समय बस का नियंत्रण खो गया और बस पलट गई। विकी राजपूत। कहां से कहां जा रहे थे? ये मसरख से बैठे थे, छपरा मसरख से। ये हादसा किस प्रकार हुआ है, जानकारी? अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटे पहले, एकदम गाड़ी इम्बैलेंस हो गई, कभी दाएं गई बाएं जाते जाते एकदम से गिर गई 3-4 बार। ये बस कहां से कहां तक जा रही थी? दिल्ली जा रही थी, मसरख से उठी थी। अंदर कोई नहीं है सर। ताज नगरी आगरा में चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन चोरियों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। हैरानी की बात यह है कि आगरा के शातिर चोरों ने इन कैमरों की भी नहीं छोड़ा। इन कैमरों की बैटरी चोरी की जा रही है और चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद है। बैटरी चोरी की वजह से सीसीटीवी बंद है, इसके बावजूद पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही। ये एक समस्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि जितने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कैमरे लगे हुए हैं, इनमें से कई कैमरेज में बैटरी जो है चोरी हो जा रही है, जिस वजह से फिर ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं कैमरा। और हाल में ये घटना ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए हम लोग पुलिस की भी सहायता ले रहे हैं और हम लोग और भी उपाय देख रहे हैं कि क्या कुछ इस प्रकार से लॉक सिस्टम उसमें लगाया जाए कि यदि कोई बैटरी का कंपार्टमेंट खोलता है तो किसी प्रकार से सायरन बजे या हम लोगों को किसी प्रकार से सूचित वहाँ से एक सिग्नल मिल जाए। तो इस प्रकार के ऑप्शन भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी बदमाशी कर रहा है उसको पकड़ने का प्रयास चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें हमें कामयाबी।
रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंडे गांव में एक के बाद एक अपराधी लगातार गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जहां एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चकसुंडा गांव से है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग का खून से लथपथ शव खेत में मिलने से जिले के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हत्या पर हत्या हो रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बता दें कि पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।